भाई साहब दो फल गया, ये रहा वाटरफॉल सामने देख लो आप जिस तरह का, और कुछ बंदे ना नहा रहे हैं पे अभी ना। चलते हैं थोड़ा से नीचे ही क्योंकि मेरी बॉडी सामने लगी है, मैं यहाँ से बड़ा गंदी तरह से कट मार के निकला हूँ। चलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम से बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया, बिल्कुल जगह से सोचा था सबका हमारे आज के इस नए ब्लॉग में। सो आज की राइड जो है आप देख सकते हो, ये हमारा उमर जो कि अभी न्यू ब्लॉगिंग चैनल से स्टार्ट किया, तो बाकी राइडर्स तो मैंने ना निंजा को रात को ग्राफिक्स कुछ सिखाए थे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का फेस लिफ्ट जो वो अपने बाइक का दिख रहा है यहाँ से। सो मेरे को कमेंट करके बताना कैसे लग रहा है, कैसे मिलता है यहाँ से राइड पे गाइस। तो मिलते हैं आप सबको सीधा मोटो ब्लॉग पे, क्योंकि काफ़ी टाइम सर मैंने मोटो ब्लॉग नहीं किया था, तो आज हम जा रहे हैं मोटो ब्लॉग पे। और आज की राइड जो हो रही है ना काफ़ी मस्त और काफ़ी बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं वाटरफॉल पे। वाटरफॉल पे जा रहे हैं ना हम सभी राइडर्स, तो आज हम जा रहे हैं वाटरफॉल पे, तो मिलते हैं आप सबको वहाँ पे। सफल नहीं है हम निकले कुछ इस तरह की जगह से, ये है अपने साथ कुछ राइडर्स, तो उनका भाई ना ट्राई करने वाला है एक विली, तो देखते हैं विली बजेगी कि नहीं। मैं इसको बोलता हूँ और मेरे को पकड़, मैं विली को ट्राई करूँ। So guys, क्या मिली थी यार पूरी सिटियों की बाइक। So guys, चलते हैं यहाँ से फुल पावर भगाते हैं अपने निंजा को आज हम। So आज लीन के बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, क्योंकि अपना टायर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है गाइस। ओहो यार क्या भाग लिया आज, यहाँ पे टर्न चेन भी काफी छोटे हैं, तो मैं इतना लीन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को लगता है कि टायर ना स्किप हो जाएगा, बाइक मेरे नीचे से निकल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे ना रोड बहुत ज्यादा खराब है यार, मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे हम भगा भी नहीं सकते अच्छे से गाड़ी को। तो आज की राइड हमारी इसलिए हो रही है क्योंकि आज ना हमें वाटरफॉल पे जाना था, तो उसकी वजह से हमने आज ये डिसाइड किया कि आज हम तभी वाटरफॉल पे जाएंगे। तो भाई साहब क्या तूफानी राइड हो रही है यार आज। लीन्स पर ना मेरे को थोड़ी सी स्लो करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे साथ ना एक भाई भी है जिसने हेलमेट नहीं अवेयर किया, तो इसकी वजह से हम उतना रेस्ट नहीं कर रहे आज। तो अपनी बाइक में ना फ्यूल भी नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो आगे ना हम फ्यूल का भी पता करेंगे, अगर मिलेगा तो कहीं से डलवा लेंगे। अपने साथ कुछ राइडर्स जो कि अभी मेरे को नहीं दिखाई दे रहे, हमने यहाँ पे रुक के सभी का वेट कर लेते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से आगे। इन सब को हम कर लेते हैं यहाँ से आगे। यार ये बाइक ना मेरे को एग्जॉस्ट की फील बहुत दिन से दिला रही है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना एग्जॉस्ट लगा लूँ। तुम सब लोग ना मुझे कमेंट करके बताओ कि हमें एग्जॉस्ट लगवाना चाहिए कि नहीं, तो अगर तुम सब लोग मुझे कमेंट करके बोलोगे तो फिर ना मैं अपनी बाइक में जो एग्जॉस्ट लगवा लूँगा। गाइस आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता, मैंने ना फिर भी राइडिंग गियर जो है वो अवेयर किए। गाइस मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है कि इस बंदे ने ना फुल सिस्टम एग्जॉस्ट वो लगवाया हुआ, मैं इन सभी से आगे नहीं निकल रहा, इस वजह से मेरे को आगे होना पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे बंदे जो है ना उनको कवर करना पड़ेगा। इस बंदे ने मुड़ मुड़ के देख रहे कि कौन से बंदे आ गए, क्योंकि यहाँ पे ना ब्लॉगिंग का इतना चक्कर नहीं, आज पहली बार देख रहे हमारे मुंह पे कैमरे लगे हुए, तो मैं ना सोच रहा हूँ यहाँ सिटी के अंदर विली मारी जाए, लेकिन यहाँ पर ना पुलिस का भी सीन है, तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेके, क्योंकि हमें वापस भी इसी रास्ते जाना, कोई और रास्ता तो है नहीं। सो यहाँ पे ब्रेक लेने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं सिटी से। यहाँ पे आके ना मेरे को ऐसा ठंडी ठंडी हवाएं फील हो रही है, ये ना बहुत ठंडी जगह है यहाँ पे ना, मेरे को लगता है यहाँ पे ना शादी है गाइस आज। ओ भाई क्या कर रहे हैं यार। तो गाइस मेरा सोच रहा हूँ यहाँ पे विली मारी जाए, तो गाइस यहाँ पे ना एक विली की ट्राई करते हैं। सफल गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, कुछ राइडर्स आगे चले गए, कुछ ना पीछे रह चुके हैं,
तो अपने सब्सक्राइबर मिल गए थे छोटे छोटे बच्चे, तो हमने उनके साथ रुके काफ़ी टाइम तक। यार बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना मिलता है, तो अपनी पूरी फैमिली के मेम्बर मिले यार मेरे को ना आज पहली बार को मिला, तो मेरे को बड़ा प्राउड फील हो रहा है खुद पे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे अपने कुछ राइडर्स खड़े भी हैं, चलते हैं उनके पास। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आ रहे हैं लकी बर्ड, यहाँ पे मारेंगे स्टॉपी, देखना रोलिंग स्टॉपी। ओ भाई साहब फाइनली गाइस यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने लकी भाई, और ये एक भाई साथ में ना केटीएम वाला भाई है, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वाटरफॉल पे। यहाँ पे ना मैं एक घंटा रुका रहा है इनके लिए, अभी ना लकी भाई मेरे को लगता है कि व्हीली की ट्राई कर रहे हैं। तो हम भी मार लेते हैं व्हीली यार छोटी मोटी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। फिर बाकी के राइडर्स जो थे ना वो ना आगे चले गए थे, यहाँ पे सिर्फ मैं और लकी भाई और एक बंदा और है। हम यहाँ पे रुके थे, मैंने लकी भाई का वेट कर रहा था, लकी भाई जब वहाँ से आए मैंने ना पेट्रोल भी नहीं था मेरे बाइक में, मैंने लकी भाई को बोला था फोन करके कि मेरे लिए पेट्रोल लेके आना, तो अभी लकी भाई पेट्रोल भी लेके आ गए, तो हमने ना एक लीटर पेट्रोल जो फिलअप करवा लिया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल पंप तक ना हम पहुँच जाएंगे, यहाँ पे आगे तो कोई पेट्रोल पंप है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम जा रहे हैं जंगल में। आप सामने देख रहे हो किस तरह का व्यू है, कितना मस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ से पहाड़ों पर, अभी देख रहे हो कितनी बर्फ है। तो ऐसी जगह में यार काफ़ी मज़ा आता है, और सबसे अच्छी बात कि हम ना यहाँ पे जा रहे हैं वाटरफॉल पे, वहाँ पे हम नहाएंगे फ्रेश वाटर से, तो कितना मज़ा आएगा यार। इस फील को हम सिर्फ इस तरह की वादियों में ढूंढ सकते हैं, सो इसको भी हम बोल सकते हैं मिनी कश्मीर, ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए ना मिनी कश्मीर यही है। गाइस लीन चेक कर रहे हो, पूरी बाइक में टच हो रही है एक साइड से, सो कुछ इस तरह के वाटरफॉल छोटे छोटे से देख रहे हो गाइस। ये चीज़ें देखने में ना यार जितनी देखने में अच्छी लगती है उतना इनमें ना रहने का भी मजा आता है। सो बंदा ना लीनो लीन हो चुका है यार, लकी भाई इतना अच्छे लीन मार रहा है ना, मेरी बाइक का ना टायर नहीं है तो मैं ना इसको लीन की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा। यार सामने के पहाड़ देख रहे हो, पता नहीं कैमरे में ऐसे आ रहे होंगे कि नहीं। ओए भाई साहब इस बंदे ने कहाँ से निकाली है बाइक। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं पार्क, और यहाँ सर मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे रुक के। तो ये देखिए अपनी बाइक कुछ इस तरह की, और ये जो मैंने ग्राफिक्स निकलवाए थे यहाँ पे, कमेंट करके बताना यार कैसी लग रही है कैसी नहीं। बाकी आप पहाड़ देख रहे हो कितने अच्छे हैं, कुछ इस तरह का व्यू पहाड़ों का देख पा रहे हो आप लोग। सो यहाँ से सीधा चलना है शायद से, यहाँ से आगे सर की फाइन बोल के मेरे को लगता है वाटरफॉल ना यहाँ पे नीचे है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले भी आ चुका था जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, मेरे को लगता है आई थिंक 1 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया मुझे, उसके बाद मैं आज यहाँ पे आ रहा हूँ। फिर यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी लगी हैं, यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं। सुबह हमें यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है पार्क। ओ भाई साहब बंदा कहाँ से गया यहाँ से नीचे, अगर हम चले जाते। सो यहाँ पे कर दिया हमने बाइक पार्क फाइनली, थोड़ी सी जगह तो मिली। तो ये अपनी बाइक यहाँ पे, तो फिर चलते हैं यहाँ से नीचे सीधा वाटरफॉल पे। हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं, मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि जब मैं पहले आया था ना ये वाला रास्ता नहीं था, वहाँ से भी रास्ता जो है नीचे गया, पहले हम पहाड़ों से जाते थे। सो यहाँ पे नीचे है वाटरफॉल, वहाँ से दिखेगा। मोटो ब्लॉग के बाद हम थोड़ा सा पैदल ब्लॉग भी बना रहे हैं। सब बस बेटा बहुत बड़ी फोटो लेना है, आ जाओ चलो ले लो, आ जाओ सभी आ जाओ। तो यहाँ पे ले लेते भाई के साथ फोटो, देखनी है यार वॉच, ये कौन सी बात हो गई, वॉच नहीं दे रहे आप भाई को, इतना गिफ्ट छोटा सा। सो लकी भाई ने ये मुझे दे दिया ना लकी भाई गिफ्ट पक्का, सिर्फ कैमरे पे तो नहीं बोल रहे, नहीं ना लोगे पक्का। भाई लकी भाई का दिल देखा मेरे को ना ये वाली वॉच दे रही है, और इस पे ना लकी भाई को कॉल आ रही है, लेकिन आप ही नहीं मना कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ क्या मांगोगे पहले आप बताओ ना, नहीं मैं क्यों मना करूँगा। यहाँ से जाता है रास्ता, तो सामने रखा वाटरफॉल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। तो ये रखा वाटरफॉल कुछ इस तरह के पहाड़ों में है, सामने आप देख रहे हो किस तरह के पहाड़ हैं यहाँ से ऊपर भी और नीचे भी। गाइस ये चेक करो यहाँ से वाटरफॉल, और नीचे ना कुछ लड़के नहा भी रहे हैं, तो वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ सामने से वाटरफॉल।
तो यहाँ से गाइस काफ़ी नीचे है, मैं पहले आया था तो मेरे को ऐसा लग रहा है। तो फाइनली गाइस ये रहा वाटरफॉल सामने, देख रहे हो आप जिस तरह का, कुछ बंदे ना नहा रहे हैं यहाँ पे अभी ना थोड़े टाइम तक, आपका भाई भी जाके नहाएगा आपको पूरा दिखाएगा। अभी ना मैं जा रहा हूँ नहाने पे, देख रहे हो आप कोई भी बंदा नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे ना मेरे को रेनबो भी दिखाई दे रही है, वो वहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये रहा कुछ वाटरफॉल, पता है मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। अब मैं जा रहा हूँ नहाने, मेरा भाई जो है वहाँ पे मेरी वीडियो शूट करेगा। तो बाकी भाई ये रहे लक्की भाई वगैरह, तो लक्की भाई ये रहे यार, लक्की भाई आपकी, आप अपनी बॉडी दिखाओ, बॉडी दिखाओ, एप्स दिखाओ, दिखाओ तो, अरे यार दिखाओ ना। ओहो तो ये बंदा मेरी वीडियो शूट कर रहा था, तो सामने ने जुड़ जल के रिएक्शन भी देख रहे हो, सोचते हैं पता नहीं कौन से पागल आ चुके हैं। तो ये रहा उमर, तो अपने साथ लक्की भाई, ऐसा लग रहा है कि लगी है ना यार, तो काफी शहर वहाँ पे ट्राई करने, इतना ठंडा पानी है ना गाइस वहाँ पे, बिना नहा के आ चुके हैं, मेरे को ना कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है, मेरे हाथ में पूरा सुन्न हो चुके हैं। तो आपने मेरे से वॉच क्यों ले लिया ये बताओ, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि नाका लगा हुआ, सारे राइडर्स जो है ना वो यहाँ पे रुक चुके हैं, सो आज ना नाका तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं हम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हो गया, कहाँ पे लगा है? अभी तो दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा बोल रहे हैं कि ट्रैफिक वाले बैठे हुए हैं। सो अभी देख लेंगे, नाका तोड़ना है आज, क्योंकि मेरा ना आज बड़ा मन कर रहा है हम नाका तोड़ूं। इसमें निकल चुका नाका तोड़ के, सो बाकी वाले मेरे को कभी देख लेते, वो रुक चुके। ओ भाई साहब पकड़ लिया, वापिस हो गया बाकी। सो गाइस एक बंदा जो पकड़ा गया हम उसे, फिर कहते हम अपनी बाइक। सो यार साथ में मुन्नू को पकड़ लिया, ना गलत कर दिया यार, इनको आना चाहिए था सीधा, पता मैंने इनको बोला भी आप मेरे पीछे आ जाओ, नहीं आएंगे आगे इतने बाइक्स देख के। सो गाइस यहाँ पे देख रहे हो आप नाका लगे हुए, तो अभी ना हम नाका तोड़ के आ चुके, उन्होंने एक राइडर पकड़ा गया यार केटीएम वाला। ये चलते हैं यहाँ से आगे, पता कर लेते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, चलान कर रहे हैं यार मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स होंगे फिर तो चलान ही करेंगे ना, मैं वीडियो ना आने लेने देता हूँ, हेलमेट उतार देता हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे ना देख रहे हैं मेरे को भी, मैं भी यहाँ से निकल के गया हूँ। कोड़ के चलाऊंगा उसको, सुबह इस बंदे को हम पकड़ लिए यार वहां पे, उसको कोड़ के चलान कर दिए। सो हम ना यहाँ से चलते हैं थोड़ा से नीचे ही, क्योंकि मेरी बाइक भी वो सामने लगी है, मैं यहाँ से बड़ा गंदी तरह से कट मार के निकला हूँ।
सो गाइस मेरी बाइक जो है वो यहाँ पे लगी है, बंदे को ना कोर्ट का चलान जो वो कर दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। फाइनली गाइस कैसा लगा आप सबको आज का हमारा व्लॉग? अगर व्लॉग अच्छा लगा व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जो बंदा नया आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो यार आज के व्लॉग में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, ये रहे हमारे लकी भाई और बाकी वाले लड़के। तो अभी ना हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा। आपको टेक केयर एंड बाय बाय।